थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। देखो ये मरने मारने की बातें मत करो, जाकर सीधा सीधा कह दो कि तुम्हें अफजल से मोहब्बत हो गई है और तुम जा रही हो उसके पीछे। देखो भाई सीधी बात है, एक आदमी के खाने के 10,000 रुपए लूंगी, मंजूर है तो बोलो वरना मैं चली। मंजूर है। दस हजार में दोनों का खाना बन जाएगा और पूरे 10,000 का मुनाफा होगा। पुराने वाले 8,000 का चक्कर दे रहा था मुझे, मैंने कहा चलो चलो बात किससे कर रहे हो, और वो जो हैदराबाद वाला है ना उसे तो सीधे सीधे डांट पिला दी मैंने। ये भी कह दिया कि अम्मी के सामने रेपुटेशन खराब है तुम्हारी, चुपके बैठे रहो। शादी शुदा है? बातों से तो नहीं लगता, वैसे इस उम्र में शादी हो जानी चाहिए। कल देखा था मैंने उसे, शक्ल से तो अच्छा लगता है। अच्छा है तो हमारे किस काम का, ऐसे बदतमीज है बहुत, 4 दिन में तू तड़ाक पे उतर आया, तुम कह के बुलाता है मुझे। तो और क्या कह के बुलाए? अरे मालिक मकान हूँ, आप जनाब करके बात करे। लगता तो किसी अच्छे खानदान से है। ये भी पूछ लूंगी। क्या पूछ लोगी? यही कि अच्छे खानदान के हो या सिर्फ अम्मी को लग रहा है। खबरदार जो तुमने कोई ऐसी बात पूछी उससे। खैर ये तो मैं बाबू हमीद से भी पूछ सकती हूँ, लेकिन हमें क्या करना है उसका खानदान, खाना खाए पैसे थमाए और अल्लाह अल्लाह करे। शक्ल से पता चल जाता है खानदान का? नहीं चलता ना। रोज़ में आलू डाल देंगे क्या? नहीं नहीं संडे को मुर्गी भी मिलेगी। बस कर दो सलीम, बस कर दो। क्या बस कर दूँ हाँ? क्या बस कर दूँ? तो बैठ जा। क्या क्या तुम्हें आज सैटरडे है। वो सारी बातें बताओ, बताओ मुझे। एक बात सच सच बता दो मुझे, क्या उसने कभी तुम्हें छुआ था? कभी नहीं, कहता था छूने से मोहब्बत मैली हो जाती। अच्छा, किसी वली का बच्चा था वो और तुम मेरे सामने उसकी तारीफें कर रही हो। आ गई कमीनी, उसे कह देना जाके ये हमारा आपस का मामला है, हमारे मामले में टांग ना अड़ाए। जी भाई साहब। ये आपका शौहर मार क्यों रहा है आपको? देखिए भाई साहब ये हमारा आपस का मामला है। अरे आप इतना जोर से चीखेंगे तो आपस का मामला नहीं रहेगा। आप हैं कौन? मैं सामने रहता हूँ बाबू हमीद के साथ। आप प्लीज जाइए और समझ लीजिए कि सारी गलती मेरी है। सुनिए भाई साहब। जी आप हैदराबाद से आए हैं? जी। अफजल नाम है आपका? जी हाँ।
कहाँ गया है वो? ओ कॉल अफसल, आखिरी बार तेरे साथ मैच खेला था उसने, मैच यानी जुआ, पूरे 1,00,000 का। उसके बाद कहाँ गया वो? कराची। कराची में कहाँ? ये नहीं मालूम। गर्दन दबा इसे। अबे तिमिया, वाकई नहीं पता इसके आगे क्या हुआ। मैं सिर्फ उसको लास्ट टाइम स्टेशन पे छोड़ के आया था, वो सोचा कि मर जा, लेकिन सुनता कभी किसी को। छोड़ दे इसे। फोन वोन तो करता होगा? फोन तो बंद है उसका। कोई दूसरा नंबर ले लिया होगा। उसके घर वालों से पता करो था, वहां फोन करता होगा। नहीं करता, मौलवी साहब आए थे मेरे पास, वैसे तो हाल चाल पूछ रहे थे, लेकिन जाते हुए कहने लगे कि अफजल से होती है बातचीत। मैंने कहा कहाँ, उसका नंबर तो बंद है। सुनकर अफसरदा हुआ थे बेचारे, बोले हाँ उसका नंबर तो बंद है। चल जा, उससे रब्ता हो, फोन वोन आए तो हमें बता देना। जरूर बताऊंगा, आप उसी वक्त बता दूंगा। खा क्यों नहीं रही तुम? सीखूंगी तो खाऊंगी ना। क्या सीखोगी? आप तो खाओ ना, देख भी रही हूं और सीख भी रही हूं, इस तरह के नवाले पेट में कैसे उतर जाते हैं। मुझे दिखाने को खाते हो या खा लेते हो सचमुच? आज मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। ट्राई करती रहोगी तो डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, और वो घर आने की अलहदा फीस लेता है। आगे तुम्हारी मर्जी। 2 साल पहले गई थी कराची, अब तो याद भी नहीं कि वो मुआ समंदर वही होता है या किनारा कर लिया उसने। तो कराची जाने में क्या है, फिर चले जाते हैं। लेकिन कहां ढूंढेंगे उसको, मुल्क जितना तो बड़ा शहर है। माँ के कलेजे से भी बड़ा। और अपना बेटा तुम्हें आंखें बंद करके ढूंढूंगी मौलवी साहब। तो फिर ठीक है, जाने की तैयारी कर लो, कल परसों जब कहोगी निकल जाएंगे। लेकिन याद रखना, हारी हुई मां का बेटा कभी जीत नहीं सकता। वो अफजल से मोहब्बत करती है। मुझे सुनके जरा दुख नहीं। लेकिन आपको ये सुनकर दुख होगा कि उसे खुद इस बात का पता ही नहीं है। आई से गेट आउट, आइंदा मेरे मामले में जबान चलाई या अम्मी अब्बू को कोई मशवरा दिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। आरफा को फोन करके बोलो कि उसकी एक तस्वीर भिजवा दे। चलो, तस्वीर का क्या करोगी? सुनो, मैंने क्या करना है उसका, लेकिन तस्वीर मंगवा के उनकी मदद तो कर सकते हैं ना। कैसे? टीवी पर इश्तहार चलाएंगे कि 32 साल का एक बच्चा शर्मिंदा होकर घर से चला गया है। ऊपर से आरफा की वॉइस ओवर चलाएंगे, वो गमजदा आवाज में कहेगी वापस आ जाओ भाई, सब परेशान है, अब्बा चुप चुप रहते हैं, अम्मी तुम्हारे गम में खाना नहीं खाती, फिर देखना कैसे भागा हुआ वापस आएगा। वो सचमुच आ गया तो क्या, अल्लाह का नाम लेकर आ जाए, अपने घर में रहे और अपने अम्मा अब्बा का ख्याल रखे। फिर तुम एमफिल कहाँ से करोगी? हैदराबाद में तो होने से रहा। मेरे एमफिल करने से उसका क्या कनेक्शन है? जब मैंने कह दिया मैं लंदन नहीं जा रही तो क्या मतलब है इसका? वही तो पूछ रही हूँ, रात में अब्बा मुझसे बात करेंगे, पूछेंगे कि फर्क है क्या इरादे। अब्बा तुमसे क्यों पूछेंगे, मैं मर गई हूँ क्या? खैर, अगर तुमसे पूछना भी चाहते हैं
तो कह देना कि मैं कराची जाने पर डट गई हूँ। फोन करूँ? किसको? आरफा को। अरे हाँ, ड्राइवर से कहती हूँ जाके तस्वीर ले। कर लो, मंगवा लो तस्वीर। लेकिन वो कमीना इस तरह से आएगा नहीं। ये तो तुम ठीक कह रही हो। अब कोई घर जाकर गिरबान से पकड़ेगा, गाली देकर जमीर जगाएगा, तब आएगा वापस। अरे नहीं नहीं, मंगवा लो तस्वीर। सारे ऑप्शन जहन में रखने चाहिए ना, है ना? हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। और अम्मी अब्बा? वो दोनों तो मुझसे भी ज्यादा अच्छे हैं, एक दूसरे को देखकर इतराते फिर रहे। तुम कहो, तुम्हारे यहाँ सब ठीक है ना? वैसे तो सब ठीक है, पर उसकी तस्वीर मांग रही थी। अरे, टीवी पर इश्तेहार चलाएगी उसका, तलाशी गुमशुदा, और उसके ऊपर तुम्हारा वॉइस ओवर। पागल हो गई है वो, उसे बताओ वो गुमशुदा नहीं है, उसने गुम कर दिया है उसे। अच्छा, उसकी तस्वीर तो दे दो, मुझे भी पता है कि वो गुमशुदा नहीं है। एक रिक्वेस्ट करूं तुमसे? हाँ बोलो। फोन ना किया करो तुम मुझे। तुमसे कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन मुझे बस तुम फोन करती हो या फिर अफजल। तुम्हारा फोन आता है तो मुझे लगता है अफजल का फोन आया है। बेल बजती है तो एक उम्मीद जागती है, लेकिन स्क्रीन पर तुम्हारा नाम देखकर टूट जाती है। देखो, तुम बुरा ना मानना, तुम लोगों के पास तो सब कुछ है ना, हमारे पास बस एक अफजल है। हम सब घर वाले उसके वापस आने की उम्मीद पर जीते हैं। और फरा से भी कहना कि वो अगर इस तरह लोगों पर तरस खाने लगेगी तो खुदा के मामलों को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगी। हैदराबाद में और भी तो बहुत से लड़के हैं जो शर्म के मारे या रूठ कर अपने घरों से चले गए हैं। उससे पूछो उनकी फिक्र क्यों नहीं करती वो। तस्वीर मंगवाने का मकसद टीवी पर इश्तेहार चलाना नहीं है। ये तो फिर इश्तेहार चलाने से भी ज्यादा बुरी बात है ना लुबना। याद करो, उसने जब जब मौका मिला मेरे भाई को ठुकरा दिया, धुतकार दिया, पर हम सब ने उसके इस हक को तस्लीम किया। तो अब वो भी हमारे इनकार करने के हक को तस्लीम करे। आई डोंट थिंक वो अफजल की तस्वीर भी डिजर्व करती है। आगे बैठो। तो किस नतीजे पहुंची हो तुम? टटोल के देखा उसके दिल में क्या है, क्या सोच रही है और क्यों सोच रही है? कराची भेज दीजिए उसे। और अगर मैं ना भेजूं तो? आखिरी फैसला तो आपका ही होगा, लेकिन आप उसकी पूरी बात तो सुन लीजिए। लेकिन ये उसकी सिफारिश क्यों कर रही है? क्योंकि मैं सारा वक्त उसके साथ रहती हूँ, और आप दोनों से ज्यादा मैं उसे जानती हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि चार दिनों में आपका हुक्म उसकी जिद के सामने ढेर हो जाएगा। इसलिए मुझ पर गुस्सा करने की बजाय ये बैठकर सोचिए कि असल में वो चाहती क्या है। क्या चाहती है? हम तीनों को उसके पास जाना चाहिए। फरा के पास? अरे नहीं अब्बा, साइकियाट्रिस्ट के पास। तुम्हें लगता है मैं पागल हो गया हूं? मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अरे आप दोनों इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? मेरी बात का मतलब तो समझिए। ये लड़की तो हमें पागल कर देगी। जी हाँ, यही कह रही हूं मैं। तो ठीक है, मैं किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को ढूंढता हूं, उसका इलाज होना चाहिए। लेकिन वो जाएगी उसके पास? वो तो नाम सुनते ही कहेगी कि आप लोग मुझे पागल समझते हैं। फिर उसे कराची जाने दीजिए। फिर वही बात? वो अपने अंदर भटक रही है अब्बा, वो ये साबित करना चाहती है कि बस उससे हमदर्दी है उसे। अरे किससे? अफजल से।
अफसल का इस गुफ्तगू से क्या ताल्लुक है? उसी से तो ताल्लुक है अब्बा, जिसे वो मानने से इनकार कर रही है। तुम आसान लफ्जों में समझा सकती हो मुझे? बोलो, अपनी बात को इस तरह कहो जैसे किसी जाहिल और गंवार आदमी से बात कर रही हो। वो अफजल से मोहब्बत करती है। मुझे ये सुन के जरा दुख नहीं होगा। लेकिन आपको ये सुनकर दुख होगा कि उसे खुद इस बात का पता ही नहीं है। क्या ये क्या बातें कर रही है इरशा? अरे मेरे दिमाग का तो उसने आलू बना के रख दिया। अब मैं जाऊं? तुम्हारी यही बात मुझे बुरी लगती है। अपने बाप को खोलते हुए तेल में डाल के उसका पकौड़ा बना दोगी और फिर कहोगी अब मैं जाऊं? अरे अब्बा, वो समझेगी कि हम उसके खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं। तो और क्या कर रहे हैं हम? चलो, मैं सुबह साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा हूं। आई नीड अ गुड साइकेट्रिस्ट। ये अब्बा के कमरे का दरवाजा किसने बंद किया था? अब्बा ने। तो तुम आई थी क्या? मैं वहां से वापस आ रही थी जब मैंने देखा तुम वहां से निकल रही हो। फिर तो सब कुछ ही सुन लिया तुमने। मजाल है जो आलू के अलावा कोई बात समझ आई। वैसे इतने सीरियस इशू में आलू की बात क्यों हो रही थी? वही तो मैं भी सोच रही हूँ। अब्बा की उर्दू अच्छी नहीं रही। बोले कि मेरे दिमाग का आलू बना दिया तुमने। दिमाग का आलू तो पहले कभी नहीं सुना। तुम समझती नहीं हो, वो आलू उबल के गोमर सा नहीं हो जाता, उसकी बात कर रहे हो। लेकिन क्यों कर रहे थे वो? जब मैंने कहा कि फराह को कराची जाने दीजिए तो फौरन उनके मुंह से यही निकला। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है जिसे सुन के दिमाग का आलू बन जाए। साथ में ये भी कहा था कि उसे तो खुद नहीं पता कि कराची क्यों जा रही है। इन अदर वर्ड्स, तुमने ये कहा कि फराह पागल हो गई है। खुदा की कसम ये नहीं कहा। अब साइकियाट्रिस्ट को दिखाने का ये मतलब तो नहीं है कि तुम पागल हो गई हो लुबना। अरे तो चली जाओ ना, एक दफा सबकी तसल्ली हो जाएगी। तुम्हारे अलावा किस किस की तसल्ली होगी? मेरा तो खैर ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन अब्बा तो बिल्कुल घूम गए। अरे तुम्हारी बातें सुनते हैं और सर पकड़ लेते हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम अब्बा के सामने मुझे पागल पॉइंट कर रही हो और उनको ये बता रही हो कि फराह एक खिसकी हुई लड़की है। माय गॉड, तुमने तो ये भी कह दिया होगा कि कराची उस भगोड़े को ढूंढने जा रही हूँ। देखा, तुमने सारी बातें सुन ली है ना? तुमने सचमुच ये सब कहा है? अरे वो तो बात से बात निकली तो कह दिया कि शायद हो सकता है। या अल्लाह, लेकिन उनको सुनकर जरा दुख नहीं हुआ? हैरत की बात है फरा, अफजल का नाम लो तो चहकने लगते हैं। गेट आउट। क्या? आई से गेट आउट। आइंदा मेरे मामले में जबान चलाई या अम्मी अब्बू को कोई मशवरा दिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। थमके रहो फरा, अपने अलावा सबको बहुत इजी ले रही हो तुम। तुम्हारे अलावा जो लोग हैं ना, कठपुतलियां नहीं है। तुम्हारे इशारों पर नाचते हैं ना कभी नाचेंगे। बहन हूँ तुम्हारी, इसलिए जरूरत के वक्त तुम्हारी साइकाइट्रिस्ट बन जाती हूँ, वरना लोग तुम्हारे पागलपन को नहीं मानते। जरा ये तो पूछो, अफजल की तस्वीर का क्या हुआ? और जब मैंने तस्वीर मांगी तो आशा ने क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? उसने कहा कि तुम उसकी तस्वीर भी डिजर्व नहीं करती हो। बताओ तुम डिजर्व करती हो? नो, नॉट एट ऑल। बस एक आखिरी मशवरा देती हूँ तुमको, टीवी पर इश्तेहार चलाओ अपना, तलाशी गुमशुदा का इश्तेहार। उस पर मेरा वॉइस ओवर चलेगा और मैं रोकर कहूंगी ये लड़की अपने आप को ढूंढ रही है, इसकी मदद कीजिए या फिर इसके लिए दुआ कीजिए।
डील डॉल से तो फिट लग रहा है, बाल कटवा लोगे? बाल? बाल क्यों कटवाने पड़ेंगे? बापू भाई वर्दी पहन के इसको कमांडो लगना चाहिए। कमांडो क्यों लगना चाहिए? मैं बाबू हमीद से बात कर रहा हूँ ना। थ्रू आउट इसकी थर्ड डिवीजन है, इतनी आला तालीम के बाद इसको ऑफिस के अंदर की नौकरी तो नहीं मिलेगी। तो ऑफिस के बाहर की मिल सकती है। ऑफिस के बाहर वाली नौकरी क्या है? सिक्योरिटी गार्ड की। वो भी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सेहत भी अच्छी है इसकी, देखने में सिक्योरिटी गार्ड लगता है। तनख्वाह 10,000 होगी, आते ही आते बड़े लोगों को सलाम करेगा, दरवाज़ा खोलेगा, कुछ ना कुछ बख्शिश मिल ही जाएगी, 15,000 तो हो ही जाएंगे। तनख्वाह कुछ कम नहीं है? आपको कितनी चाहिए सर? 15,00,000 रोज। हंसना बंद करो और लिख कर रख लो, एक दिन सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करोगे मेरे पास। तो हील डोल तुम्हारा भी अच्छा है, हाँ थोड़ा पेट निकला हुआ है लेकिन चलेगा। चलो बाबू उम्मीद। और ये तुम्हारी चाय के पैसे, बाकी जो बच जाए तुम्हारी बख्शिश। वो 15,00,000 रोज वाली बात तुमने क्यों की? पॉलिटिशियन बनने का सोच रहे हो? तो उनके कारोबार में होती है इतनी कमाई, रोज के 15,00,000, रोज के 15 करोड़। बच्चा था तो मैं भी इसी तरह जहाज बना लेता था। अब्बा देखकर खुश होते थे और चहक कर कहते थे कि देखना आरफा, मेरा बेटा एक दिन पायलट बनेगा। आरफा? आरफा मेरी अम्मी का नाम था। आरफा मेरी बहन का नाम है। अरे तुम्हारी अम्मी का नाम रुकैया तो नहीं है ना? अरे हाँ मेरी अम्मी का नाम रुकैया ही है, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? रुकैया मेरी छोटी बहन का नाम था। रुकैया था क्यों बोल रहे हो? अब्बू नहीं है ना, मेरी अम्मी, मेरे अब्बा, मेरी बहन, मेरे भाई चले गए। कहाँ? मर गए ना यार, मतलब गए सब एक साथ चले गए। हाँ एक साथ, एक रात, कोई एक मिनट पहले, कोई एक मिनट बाद। एक्सीडेंट हुआ था? एक्सीडेंट नहीं भैया, मर्डर। 4 मरले जमीन के झगड़े पे, 4 मर्डर। जमीन की फितरत है दोस्त, वो अपना पेट भरने के लिए लाशें मांगती है। भूख ज्यादा हो तो 4 मरले पर 8 लाशें। 8? तुमने तो 4 कहा था। 4 उनके भी तो गए थे, उनको मैंने मार दिया। लिमिट में रहा करो, नाजुक सी लड़की मत समझो मुझे। तुम जैसों के लिए खूनखार बिल्ली हूँ, बदतमीजों का मुंह नोच लेती हूँ। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। कौन है आरफा? अम्मी फरा है, फरा इब्राहिम। अब क्या किया है मेरे बेटे ने? देखो बेटा अब हम उसके कॉल और फेल के जिम्मेदार नहीं, हमारा घर छोड़कर चला गया है। एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाओ तो दूसरे मुल्क का कानून लागू होता है। मैं उसकी बात नहीं करने आई हूँ आंटी, ना ही कोई शिकायत है उसकी। अच्छा अच्छा तो यूं ही आई हूँ मिलने मिलाने। बिस्मिल्लाह। बिठाओ फरा को, चाय कॉफी पूछो।
चाय या कॉफी? क्या मैं कॉफी डिजर्व करती हूँ? अगर मैं उसकी तस्वीर डिजर्व नहीं करती तो उसके घर की कॉफी क्यों डिजर्व करती हूँ? बताओ कैसे आना हुआ? ये नीचे क्या देख रही हो? वो अभी तक नहीं आया। नहीं आया तो क्या हुआ? और तुम सिर्फ उसके बारे में क्यों परेशान हो? उसके बारे में परेशान नहीं हूँ, दोपहर के खाने का सोच रही थी। चार छह दफा नहीं खाएगा तो महीने के बाद कहेगा फला फला दिन खाना नहीं खाया था, उसके पैसे नहीं दूंगा। क्यों नहीं देगा भाई, हमने तो खाना बना के रख दिया था ना। अच्छा आप नीचे झुक कर मत देखना वरना मुंह के बल गिरोगी। आ गया अम्मी, खाना दे दे। वो कमरा उसी का लग रहा है मुझे। हाँ उसी का है। ताला क्यों डाल दिया? ताला ना हो तो अम्मी को उसके कमरे में होने का वहम होता है। बीए किया है ना उसने थ्रू आउट थर्ड डिविजन। नौकरी क्या मिलेगी उसे? हैदराबाद में चलो कोई स्कोप था, कई बड़े बड़े लोग अंकल को जानते थे, कराची में कौन रखेगा उसे? देखना पूरी सोसाइटी में पड़ जाएगा। अल्लाह मदद करेगा उसे। अल्लाह तो करेगा लेकिन वो खुद भी तो कुछ करे। एमए भी तो कर सकता था, हो सकता है उसमें अच्छी डिविजन आ जाती। पढ़ाई छोड़ चुका है वो फरा। खैर ये तो उसका पर्सनल मामला है, लेकिन इसमें कोई अकलमंदी नहीं है। चाहते हुए खत भी छोड़कर गया होगा। हाँ फिल्मी स्टाइल है उसका। खत में क्या लिखा है? खत भी तो उसका पर्सनल मामला है ना। ओ सॉरी। वैसे लिखा था कि जब तक कुछ बन नहीं जाऊंगा वापस नहीं आऊंगा। क्या बनेगा वो? मतलब कुछ तो सोचा होगा उसने। सोचने का मौका ही नहीं मिला उसे, अब सोच रहा होगा। सच बताओ तुम लोग मुझे तो ब्लेम नहीं करते। मौलवी अंकल तो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारी अम्मी हो सकता है ये सोचती हो कि वो मेरी वजह से गया है। नहीं नहीं जवाब जो भी हो मुझे जरा भी दुख नहीं होगा। मैं तो खुद यही समझती हूँ कि गलती मेरी भी है। तुम्हारी क्या गलती है? मुझे उसके खत ले आई थी तुम्हारी अम्मी अब्बा के सामने, वो सब बताने की जरूरत ही क्या थी? तुम्हें फोन कर देती और कह देती कि खुदा की कसम मैंने वो खत नहीं लिखे। हाँ ये भी कर सकती थी तुम। लेकिन तुम भी तो मेरे घर आके पूरा फिल्मी सीन चला कर गई थी, उसी पर गुस्सा आ गया था मुझे। जो होता है अच्छे के लिए होता है परा। ये सब सुनी सुनाई बातें, जब कुछ बुरा होता है ना तो वो अच्छे के लिए नहीं होता। तुम्हारे लिए क्या बुरा हुआ है? तो क्या मुझे दुख नहीं हुआ होगा? तुम्हारे अम्मी अब्बू लोग का सोच के तो दिल डूबता है मेरा। ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया मैंने। कोई गुनाह नहीं हुआ तुमसे, एक अच्छी लड़की को यही करना चाहिए जो तुमने किया है ना। और अब तुम्हें इस बात पर पछताना भी नहीं चाहिए। भले अफजल मेरा भाई है लेकिन वो तुम्हारे साथ ठीक नहीं कर रहा था। हमें इस बात का दुख तो है कि वो चला गया, लेकिन इस बात का भी दुख है कि वो एक लड़की को धोखा दे रहा है। किसको धोखा दे रहा है? जो खत लिखती है उसे। ओ हाँ वो दूसरी वाली फरा, उसको तो मैं भूल ही गई थी।
ऐसा करो आरफा, कौन है, क्या करती है, कहाँ रहती है वो? कोई फायदा नहीं। क्यों कोई फायदा नहीं है? अफजल को वापस लाने में हमारी हेल्प कर सकती है। वो क्या हेल्प करेगी बेचारी, उसकी तो अपनी मोहब्बत खतरे में है। उसके पास होगा अफजल का नया सेल नंबर। हाँ, उससे तो डेफिनेटली बात करता होगा। नहीं, वो उससे बात नहीं करता होगा, इसीलिए तो वो खत लिखती है। अफजल भी तो लिखता होगा, मतलब जवाब तो देता होगा उसे। शायद। शायद क्यों कह रही हो तुम? यकीनन वो जवाब देता है तो वो खत लिखती है, वरना पागल तो नहीं है कि खुद ही खत लिखती रहेगी। मोहब्बत में अनहोनी बातें होती हैं, अकलमंदी में नहीं होती। अब देखो ना, तुम अकलमंद हो तो तुमने कह दिया, अपनी राह चलो मियां, मुझे तुमसे कोई लगाव नहीं। बात वहीं खत्म हो गई। अब कोई तुम पे मर मिटे और तुम्हें उससे कोई लगाव ना हो तो वो कराची जाए या सात समंदर पार, तुम्हें क्या? हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। लेकिन जब मैं ठीक कह रही हूँ तो फिर लेकिन क्या? दुआ करो वहां से कुछ बन कर वापस आए, आकर बताए वो खत लिखने वाली कौन है, क्या करती है, कहाँ रहती है। अम्मी अब्बा को मैं खुद राजी कर लूंगी। राजी कर लूंगी मतलब? मतलब तो सीधा है, शादी कराऊंगी उन दोनों की। हाँ, शादी तो होनी चाहिए। शाम होने वाली आरपा, अब मैं चलूंगी। फिर आओगी ना? हाँ क्यों नहीं, फिर आऊंगी इंशाल्लाह। हंस क्यों रही हो? भाई तुम्हारा घर छोड़कर चला गया है और खुशी से तुम्हारी बतीसियां निकल रही हैं। अरे नहीं अम्मी, मुझे तो इस बेचारी फरा पर रोना आ रहा है। किस बेचारी फरा पर? ये जो गई है इस पर या उस पर जो कभी आई नहीं? वो कहाँ से आ गई, वो होगी तो आएगी ना। नहीं, वो अगर नहीं है तो खत क्या उसके अब्बा लिखते थे। देखो मैं पहले ही बहुत सती हुई हूँ, नई नई बातें करके मुझे डराओ मत। आप इससे डरिए जो यहाँ से गई है, उसके बारे में मत सोचिए जो कभी आई ही नहीं। इससे तो पहले ही बहुत डर लगता है मुझे। दो दफा आई है, दोनों दफा चारों शाने चित करके गई है। अल्लाह खैर। कोई काम वाम नहीं करता ये लड़का? कौन लड़का? क्या नाम है उसका? अफजल। हाँ हाँ अफजल। करता होगा, ना भी करता हो तो हमें क्या फर्क पड़ता है। पैसे कहाँ से आते हैं उसके पास? अब देखो, 4 महीने का किराया चुका दिया, ऊपर से 10,000 खाने का एडवांस भी दे दिया, कहाँ से दे रहा है सब कुछ? आम खाओ अम्मी आम, पेड़ ना गिनो। वो तो ठीक है, लेकिन ये तो पता चले कि जिस पेड़ के आम खा रहे हैं वो पेड़ आम का ही है। वैसे तो अच्छा है, चाल भी सीधी है, आंग भी टेढ़ी नहीं, शर्मो हया वाला है। थोड़ा बदतमीज है बस। बदतमीज तो तुम भी हो, हर किसी के मुंह जाके लगती हो। बदतमीजी ना करूँ ना तो मर्द लोग हप करके खा जाए मुझे, ऊपर से खूबसूरत भी हूँ। तो क्या नहीं हो खूबसूरत? खूबसूरत तो हो यासमीन, लेकिन अपने मुंह से तो ना कहो। खाना दिया? दिया, लेकिन फालतू बातें करने ना बैठ जाना। तुम्हें डर नहीं लगता? पुलिस एक दिन तुम्हें ढूंढ लेगी, कभी सोचा फिर क्या होगा?
ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जेल में डाल देंगे, फांसी पे चढ़ा देंगे। तो चढ़ा दें यार, जहां चार मरे वहां पांच। अच्छा तो भाई छुप कर क्यों बैठे हो, जाओ सामना करो और बता दो उनको कि तुम तो मरने के लिए तैयार बैठे हो। अभी मरने को तैयार नहीं हूं यार, मरने से डर नहीं लगता मुझे, लेकिन जीने का बहुत दिल चाहता है। लो जाओ दरवाजा खोलो, आ गई मौत। सामने से हटो और इस तरह घूर के मत देखो, कभी खुद भी खाना मांग लिया करो बाबू हमें, क्या तुम लोगों को भूख नहीं लगती? भाई इसकी नौबत ही नहीं आती, इधर लगता है कि भूख लगी है उधर तुम पहुंच जाती। फिर आलू दाल? आलू कहाँ है, अंधे हो या हैदराबाद में भिंडी को आलू कहते हैं? रख दो। वो तो मैं रख ही दूंगी। तुम ना अपनी लिमिट में रहा करो, नाजुक सी लड़की मत समझो मुझे, तुम जैसों के लिए खूनखार बिल्ली हूँ, बदतमीजों का मुंह नोच लेती हूँ। अरे अच्छा किया तुमने बता दिया, 20 दिन से मैं तुम्हें लड़की समझ रहा था। वैसे तुम आ जाओ तो जाती कैसे हो? क्या मियाऊ बोलूं तो चली जाओगे? अरे नहीं, वो तो बिल्ली को बुलाने के लिए कहते हैं, तो बिल्ली को भगाने के लिए क्या कहते हैं? कुत्ता। चल यार आ, खाना खा, बड़ी भूख लगी। वैसे ये ठीक नहीं है अफजल। क्या ठीक नहीं है? दिल दुखाने की सजा फांसी से कुछ ज्यादा होती है, इसलिए डर जाया करो। आ जाओ, मैंने तुम्हें देख लिया है। कौन कौन है? अफजल यहां क्या कर रहे हो? वो बर्तन वापस करने आया। इस दरवाजे से आए हो? हाँ। शायद तुम्हें पता नहीं है लेकिन किराया नामा की रोज से ये दरवाजा खोलने की इजाजत नहीं है तुम्हें। खैर इस पर तो अब सुबह बात होगी। सुनो बाबू हमीद का कोई कसूर नहीं है, वो तो खाना खाते ही सो गया था। वो मैंने सोचा ये दरवाजा तुम्हारे यहाँ खुलता है तो बर्तन देने के बहाने आ गया। बहाने मतलब? नहीं वो बाबू हमीद का ख्याल है कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, इसलिए नींद नहीं आ रही। नींद की गोली नहीं है हमारे पास। गोली मांगने नहीं आया, सॉरी मांगने आया। अरे वाह बड़े जज्बाती आदमी हो तुम, दिल से सॉरी बोल रहे हो या सॉरी बोलकर इंप्रेस कर रहे हो मुझे? इंप्रेस क्यों करूंगा, इस तरह भी तो होता है ना, खूबसूरत लड़की देखकर मचल गए तो पहले बदतमीजी कर ली फिर सॉरी बोलकर इंप्रेस कर दिया। लेकिन मैं इंप्रेस होने वाली नहीं हूँ। मैं सिर्फ सॉरी बोलने आया, इंप्रेस करने नहीं आया। तो फिर ठीक है, इट्स ओके। थैंक यू। यू आर वेलकम। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। नाम क्या है आपका?
भूल गए, अपना नाम बताइए। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार